So hey guys, welcome back to my channel. This is Nirav here. So guys, this is the most requested video from you guys. आप में से काफ़ी लोग माइनिंग शुरू करना चाहते हैं अंडर द बजट ऑफ 1 लाख रुपीज़, और काफ़ी लोगों का बजट 60-70 हज़ार का भी है. तो गाइज़, ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करने वाला हूँ. कौन सा पार्ट आप ले सकते हो, कौन सा ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हो माइनिंग के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो गाइस. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑल नो, इथेरियम का जो माइनिंग है वो बंद होने वाला है कहीं ना कहीं फ्यूचर में, 5-6 महीने के बाद, या तो पता नहीं कितने टाइम में बंद होगा, क्योंकि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव होने वाला है. और अभी अगर आप ग्राफिक कार्ड लेने जाओगे तो ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस तो हाई है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ये चीज़ भी देखनी है अगर आप ग्राफिक कार्ड लेने वाले हो, कि इथेरियम के बाद जो दूसरे कॉइन्स है, जैसे एर्गो हो गया, जैसे रेवन कॉइन हो गया, जैसे इथेरियम क्लासिक हो गया, या तो फिर फ्लक्स हो गया, उन पे वो ग्राफिक कार्ड कैसा परफॉर्म करता है. क्योंकि इथेरियम के बाद आप अगर दूसरे कॉइन पे माइनिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे भी वो ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने गाइज हमारे 1 लाख के बजट में कुछ 6-7 ग्राफिक कार्ड निकाले हैं, जहाँ से स्टार्टिंग की बात करें तो 1660 Ti और 1660 Super आते हैं. फिर AMD के मैंने 2 कार्ड कंसिडर किए, अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे कुछ कार्ड यहाँ पे मैंने लिए हैं. तो हम सारे कार्ड्स को कंपेयर करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इन टर्म्स ऑफ मेगा हैश. अब गाइज, आपका ग्राफिक कार्ड लेने का बजट अगर 50-60 थाउजेंड के अंदर हो तो आपके पास यहाँ पे 3 या तो मैक्सिमम 4 ऑप्शन अवेलेबल है. उनमें से जो पहला ऑप्शन है 1660 Ti है, या तो 1660 Super है. अब ये गाइज जो है वो 6 GB के कार्ड है, और काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि यार 6 GB के कार्ड अभी मत लो, वो फ्यूचर प्रूफ नहीं है. मैं गाइस कहता हूँ कि 16 सीरीज़ के जो कार्ड है वो काफ़ी अभी अच्छा माइनिंग कर सकते हैं, वो माइनिंग के लिए कैपेबल है. इवन इन फ्यूचर ये कार्ड आराम से माइनिंग करेंगे. क्यों, मैं आपको बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे माइनर स्टार्ट करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे डेक साइज कैलकुलेटर है. तो अभी हम गाइज इथेरियम माइनिंग करते हैं, और इथेरियम की जो करंट डेक साइज है वो 4 GB क्रॉस हो चुकी है. यानी आप 4 GB के कार्ड से इथेरियम माइनिंग नहीं कर सकते, वो आपको पता ही होगा. और जो 6 GB की डेक साइज है वो गाइज एज पर द माइनर स्टार्ट 12 जनवरी 24 को पास होगी. यानी गाइज 6 GB के कार्ड जो है वो 12 जनवरी 2024 तक इथेरियम माइनिंग कर सकते हैं. तो 2 साल यहाँ से बाकी है गाइस, 6 GB का कार्ड इथेरियम माइनिंग आराम से कर सकता है. इवन अगर आप 1.5 साल भी गिनते हो तो इथेरियम का माइनिंग उतना नहीं चलने वाला है. इथेरियम का माइनिंग शायद 6 महीना या तो 8 महीना हो, उसके बाद बंद हो जाएगा मोस्टली. तो जो भी बोलता है कि यार 16 सीरीज़ के कार्ड जैसे 1660 Ti है, 1660 Super है, वो नहीं लेने चाहिए, गाइस टेक्निकली मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ख़राब कार्ड है. माइनिंग के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड है स्टिल, और काफ़ी लंबे समय तक वो माइनिंग कर सकते हैं. अगर इथेरियम के अलावा भी मैं बात करूँ तो दूसरे कॉइन्स पे आराम से उसकी माइनिंग हो सकती है. हाँ, स्पीड आपको कम मिलेगी गाइस, लेकिन सामने आपको प्राइस भी कम पे करनी है. तो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 3 चीज़ ऑलवेज देखता हूँ, कि क्या प्राइस मैं पे कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मेगा हैश मिल रहा है, और उसके अगेंस्ट में मुझे पावर क्या देना है. तो मेरे लिस्ट में गाइस ये कार्ड आते हैं, स्टिल मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ये कार्ड 1660 Ti 1660 Super आप ले सकते हो आराम से, अच्छे कार्ड है. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, अगर आपको ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए, आपको एफिशिएंसी की नहीं पड़ी, तो आप ये कार्ड को अवॉइड कर सकते हो. और आपको ऐसा है कि नहीं भाई मुझे 8 GB का ही कार्ड लेना है, मुझे 6 GB के कार्ड के साथ नहीं जाना है, तो दूसरा ऑप्शन जो निकल के आता है गाइज वो है AMD की तरफ से RX 6600 non XT. अंडर 50,000 गाइज ये कार्ड आपको आराम से मिल जाएगा, और ये फ्यूचर प्रूफ कार्ड कह सकते हैं गाइज. अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपेयर टू 1660 Ti और 1660 Super, यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि RX 6600 non XT का जो रीसेल है वो थोड़ा सा बेटर होगा कंपेयर टू 1660 Ti एंड सुपर, बिकॉज नया कार्ड है, अभी अभी मार्केट में आया है, और अच्छी खासी गेमिंग करवा देता है, तो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू शायद यहाँ पे मिल सकती है. और गाइज हैश स्पीड की बात करूँ तो 6600 non XT की हैश स्पीड इथेरियम पे तो कम मिलती है आपको. दूसरे एल्गोरिदम के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले इथेरियम के बारे में ही बात कर लेते हैं. और अभी अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है तो आप 6600 non XT के साथ जा सकते हो. ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है AMD की तरफ से, 32 की मेगा स्पीड आपको दे देता है, और काफ़ी एफिशिएंट कार्ड है, सिर्फ 70 या तो 75 वॉट्स लेता है एट द वॉल, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कार्ड फॉर इथेरियम माइनिंग. और कह सकते हैं कि फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि 8 GB की VRAM प्लस अच्छी खासी रीसेल वैल्यू आपको यहाँ से मिल सकती है अगर आप मार्केट में इसको
रीसेल करने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग भी अच्छी होती है। ऑलमोस्ट 3060 12 GB को ये कम्पीट करता है गेमिंग में, या तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है RX 6600 XT। गाइस सो गाइस प्राइस पर मेगा हैश की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम मेंशन की है प्राइस पर मेगा हैश की, तो आप क्या प्राइस पे कर रहे हो पर मेगा हैश। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सबसे कम प्राइस मेगा हैश जो है वो 1660 सुपर की है, क्योंकि अभी सस्ता मिल रहा है और अच्छी हैश स्पीड आपको दिला देता है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर देते हैं जस्ट टू चेक, लेट मी शॉर्ट। तो 1660 सुपर, फिर 1660 Ti, उसके बाद RTX 3060 12 GB। अब बात करते हैं गाइज RTX 3060 12 GB की। ये कार्ड आप खरीद सकते हो, LHR कार्ड है गाइज, अच्छा कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 GB की VRAM मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज Ethereum पे 35-36 मेगा हर्ट्ज का स्पीड मिलता है एट अराउंड 100-110 वॉट। और गाइज ये सारे LHR कार्ड है तो आपको Ethereum पे लगभग 70-75% की स्पीड मिलेगी। एफिशिएंसी वाइज अच्छे कार्ड नहीं है गाइज, लेकिन गाइज दूसरे एल्गोरिदम पे ये अच्छे कार्ड है, वो हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो अगर आपका बजट 50-60,000 के बीच में है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर RTX 3060 12 GB। अब गाइस 2060 सुपर भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। 2060 सुपर में आपको इथेरियम पे काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई LHR नहीं है। अगर आपको अच्छे दाम पे मिलता है देन डेफिनेटली आप इस कार्ड को ले सकते हो। इथेरियम के लिए स्पेशली अच्छा कार्ड है, लेकिन अगर आप दूसरे कॉइन्स के लिए देख रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गो विथ 3060 Ti 8 GB LHR। ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, ऑलराउंडर कार्ड है, वो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इथेरियम के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे इस शीट में मैं कौन सा कार्ड चूज़ करूँगा। अगर गाइज मैं आपकी जगह होता और मैं इथेरियम माइनिंग के लिए मैं स्पेशली सोचता, तो मैं अपने पैसे ज़्यादातर 1660 Ti या तो RX 6600 XT पे लगाता। ये दो में से कोई एक कार्ड मैं खरीदता फॉर पर्टिकुलरली इथेरियम माइनिंग, दूसरा कोई कार्ड मैं यहाँ से इस शीट में कंसिडर नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राइस देना है उस कार्ड के लिए और अगेंस्ट में मेगा हैश भी कम है और पावर भी मुझे ज़्यादा देनी पड़ रही है। सो गाइज ये सिर्फ बात हो रही है इथेरियम माइनिंग की। अब बात करते हैं दूसरे कॉइन के बारे में, अब बात करते हैं अर्गो के बारे में। तो गाइज अर्गो के लिए यहाँ पे मैंने सबके हैश रेट मेंशन कर दिए हैं। सो अर्गो में जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा हैश स्पीड मिल रही है वो दो ही कार्ड है, वो है RTX 3060 12 GB और RTX 3060 Ti, जहाँ पे आपको 135 की मेगा हैश स्पीड मिल जाती है। तो गाइज एज यू कैन सी कि अगर आप दो 1660 Ti इकट्ठा करते हो तब जाके भी अर्गो पे एक RTX 3060 Ti आपको उससे ज़्यादा स्पीड देता है, तो दूसरे एल्गोरिदम्स पे RTX 3060 Ti और RTX 3060 है वो आपको बेटर परफॉर्म करके देता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब इथेरियम का पोस हो जाएगा तब दूसरे एल्गोरिदम ऊपर आएंगे, जैसे एर्गो हो गया, या तो रेवन कॉइन हो गया, या तो फ्लक्स हो गया, या तो इथेरियम क्लासिक है। इथेरियम क्लासिक का तो खैर सेम ही एल्गोरिदम है, तो वो आपको उतनी ही स्पीड देगा जितनी आपको इथेरियम पे मिल रही है। लेकिन गाइस कुछ कह नहीं सकते आगे कौन सा एल्गोरिथम या तो कौन सा कॉइन आगे आता है उसकी माइनिंग बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एर्गो माइनिंग 3060 Ti और 3060 12 GB दोनों बहुत ही अच्छे कार्ड है। अब बात करते हैं गाइस रेवन कॉइन की। रेवन कॉइन भी काफ़ी लोग माइनिंग करते हैं, तो रेवन कॉइन पे भी गाइस जो सबसे ज़्यादा हैश स्पीड आपको मिलती है वो मिलती है 3060 Ti पे और 3060 12 GB पे। वहाँ पे गाइज आपको 3060 Ti पे 30 की मेगा हैश स्पीड मिल जाती है, जो 1660 Ti से ऑलमोस्ट 3 गुनी ज़्यादा बोल सकते हैं, 3 या तो 2.5 गुनी ज़्यादा बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि यार 3060 Ti एक अच्छा प्रोपोजिशन है, अगर आप वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो दूसरे एल्गोरिथम पे आपको ज़्यादा स्पीड मिल रही है, और ये चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि इथेरियम का जो है माइनिंग बंद होगा तब दूसरे किसी कॉइन का आपको माइनिंग करना है, तो आप ये डेफिनेटली 3060 Ti पे आराम से कर पाओगे। तो अभी अगर आप एक कार्ड से माइनिंग शुरू करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली 3060 Ti को कंसिडर कीजिए गाइस। डोंट सी जस्ट फॉर इथेरियम पे, इथेरियम पे मत देखिए कि इथेरियम पे मुझे ये स्पीड मिल रही है, दूसरे एल्गोरिथम का भी कंसिडर कीजिए। अब बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एफिशिएंसी की। अगर आप स्मॉल माइनर हो तो आपके लिए एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, जैसे अभी आप एक कार्ड के साथ माइनिंग चलाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3060 Ti ले सकते हो, बहुत ही अच्छा कार्ड है। लेकिन डाउन द लाइन अगर आपको आपका माइनिंग फार्म एक्सपांड करना है, अगर आपको ग्राफिक कार्ड आपके माइनिंग रिग में बढ़ाने हैं, तो आपको एफिशिएंसी के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने में बहुत ही मदद करेगी।
अभी गाइज 3060 Ti की एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी मेंशन की है। जितनी एफिशिएंसी गाइज अच्छी हो उतना कार्ड बेहतर होगा आपके लिए इन लॉन्ग रन। तो लेट मी फिल्टर दिस आउट बाय हाई नंबर, जस्ट अ मिनट। सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे जो एफिशिएंसी के स्केल में बाजी मार जाता है वो है RX 6600 नॉन XT एंड RX 6600 XT। तो अगर मैं आपकी जगह होता, जैसे मेरा गाइस ऑलरेडी मेरा 15-17 ग्राफिक कार्ड का एक माइनिंग फार्म है, तो मैं ऑलवेज एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा बैट करता हूँ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो कॉस्ट है गाइस वो अपना रिकरिंग एक्सपेंस है, और जब भी माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी तब जेब में से निकाल के पैसे आपको देने हैं गाइस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तब आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाली, आपको बिजली का बिल पे करना है। सो कीप इन माइंड कि एफिशिएंसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म में जब भी आप माइनिंग करते हो। अभी एक कार्ड के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ज़्यादा हाई स्पीड वाला कार्ड ले लो, 3060 Ti ले लो, इवन 3070 Ti भी ले सकते हो, लेकिन वो 1 लाख का बजट क्रॉस कर देगा तो आप उस कार्ड को मत कंसिडर कीजिए। बट 3060 Ti को आप कंसिडर कर सकते हो, डेफिनेटली देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। बट ये भी एक टर्मिनोलॉजी है एफिशिएंसी जो मुझे ज़रूरी लगा आपको बताने के लिए। एक कार्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लेकिन जब भी 1 के 6 हो गए, 6 के 12 भी अगर आप करने वाले हो, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कॉस्ट में कितना मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। और इवन यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी जो है वो अच्छी है 6600 XT या तो नॉन XT की, भले आपको कम हैश स्पीड मिल रही है अर्गो या तो रेवन कॉइन पे, लेकिन सामने आपका पावर भी बहुत कम जा रहा है गाइस, बहुत ही कम जा रहा है। और अगर आप मुझे पूछोगे कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लेते हैं अभी के टाइम में गाइस, देखिए तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये एक बिजनेस है, टेक दिस एज अ बिजनेस। आप चाहो अभी एक कार्ड से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कार्ड अगर आप ऐड करने वाले हो तो थिंक अबाउट एवरीथिंग, थिंक अबाउट एफिशिएंसी, थिंक अबाउट पावर, थिंक अबाउट रीसेल वैल्यू, क्या आपको रीसेल वैल्यू मिल सकती है। 6600 XT या तो नॉन XT की रीसेल वैल्यू अच्छी खासी मिल सकती है आपको बाद में। अगर मैं बात करूँ RX 580 8GB की गाइज, अभी भी आप उसका रीसेल वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि माइनिंग का हाई टाइम चल रहा है, तो आराम से 25-30 हज़ार या तो 35 हज़ार में वो कार्ड बिकते हैं। तो वो कार्ड बहुत ही अच्छे थे माइनिंग के लिए, एंड स्टिल दे आर डूइंग रियली गुड, बट वो एफिशिएंट कार्ड अभी नहीं रहे। सो जो भी अभी माइनिंग करते हैं RX 580 के साथ वो माइनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माइनिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट ज़्यादा जा रही है। तो यही एडवांटेज है न्यू कार्ड्स का कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम पे करनी पड़ती है क्योंकि वोल्टेज कम लेता है। सो कीप दैट इन माइंड कि एफिशिएंसी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। आपका क्या मानना है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप कौन सा कार्ड प्रेफर करोगे फॉर माइनिंग, ज़्यादा हैश रेट वाला या तो ज़्यादा एफिशिएंसी वाला। अब गाइस पार्ट लिस्ट की बात करूँ तो आप अभी एक कार्ड के लिए 3060 Ti के साथ जाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है, ऑलराउंडर कार्ड मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाइस Inno 3D का ट्वीन X2 मॉडल लिया है जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, जो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है गाइस इस कार्ड की, जो अराउंड 79,000 है, लेकिन गाइस ये इतना महंगा नहीं है, आपको लोकल मार्केट में 75-76,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो ये कार्ड मैंने कंसिडर किया है। और बात करूँ मदरबोर्ड की गाइस, तो मदरबोर्ड में यहाँ पे मैंने ज़ेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड चूज़ किया है, जो बेसिकली बहुत ही चीप मदरबोर्ड है, 3-3.5 हज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 2 PCI Express के स्लॉट मिलते हैं, एक बड़ा वाला और एक X1 वाला। तो यहाँ पे आप ज़्यादा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा पाओगे, आप सोचोगे कि यार मुझे ग्राफिक कार्ड अगर ज़्यादा लगाना है तो कैसे लगाऊंगा। गाइज अभी तो आपको एक ही ग्राफिक कार्ड के साथ माइनिंग करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दिस, लेकिन आगे मैं बताता हूँ कि आप इसमें दूसरे ग्राफिक कार्ड कैसे लगा सकते हो। प्रोसेसर की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे प्रोसेसर में मैंने इंटेल की तरफ से i3 का प्रोसेसर लिया है जो 2400 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप इस प्रोसेसर को ले सकते हो। लिंक ये जो है वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्प्रेडशीट है पूरा वो भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। रैम की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे हमने 4GB की रैम ली है, ज़्यादा रैम की हमको ज़रूरत नहीं है। ये रैम आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है 1100 रुपये में, आप जाके उसे खरीद सकते हो मेरी लिंक से। और हमने स्टोरेज के लिए गाइस 32GB का ये मेटल वाला पेन ड्राइव लिया है, USB 3 है तो अच्छी स्पीड मिलेगी USB 3 पे कंपेयर टू USB 2। अब बात करते हैं गाइस, आप सोचोगे कि दूसरे ग्राफिक कार्ड ऐड करने का जो तरीका है वो इस चीज़ से है, ये है PCI Express 1-4 राइजर कार्ड। अब गाइज यहाँ से आप मल्टीपल ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्लॉट में इसको इस तरीके से बिठाना है, और बाद में आप 4
जो है ग्राफिक कार्ड इस पर लगा सकते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने आज ही ऑर्डर किया है, एज़ यू कैन सी 27 को मैंने ऑर्डर किया है। मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, बाद में हो सके तो इसका वीडियो भी बना दूंगा। तो इससे आप ग्राफिक कार्ड एक्सपांड कर सकते हो इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के ऊपर। तो जब भी आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि मुझे आगे और कार्ड लगाना है, तो यू कैन ऑर्डर दिस थिंग। SMPS की अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहाँ पे 850 वॉट का SMPS लिया है। आप चाहो तो 550 या तो 650 वॉट का SMPS भी ले सकते हो, क्योंकि एक कार्ड के लिए आपको ज़्यादा हैवी SMPS की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप डाउन द लाइन ज़्यादा कार्ड ऐड करते हो, तो तीन कार्ड तो आराम से आपके इस SMPS पे चल जाएंगे। डीप कूल की तरफ से SMPS है, काफ़ी लोगों को दिया है, वन ऑफ द बेस्ट SMPS फॉर माइनिंग इन दिस पर्टिकुलर बजट गाइस। और हमारा जो टोटल कॉस्ट हो रहा है इंक्लूडिंग बेसिक वुडन रिग फ्रेम, वो हो रहा है 99,965। तो 1 लाख पहुँच ही चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे 3060 Ti की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर अच्छे दाम पे लेते हो तो यहाँ से आपका 3-4 हज़ार ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, जो 1 लाख के अंदर के बजट में माइनिंग शुरू करना चाहता है, गो विद 3060 Ti। ऑलराउंडर कार्ड है गाइस, काफ़ी अच्छा है, इथेरियम पे भी, एर्गो पे भी, रेवन कॉइन पे भी, फ्लक्स के ऊपर भी शायद ये अच्छा है। मैंने फ्लक्स के बारे में बात नहीं की क्योंकि मेरे पास इनफ डेटा नहीं है फ्लक्स के लिए। मैं ट्राई करूँगा कि अगर होगा तो मैं शीट में ऐड कर दूँगा बाद में, बट डेफिनेटली आई वुड बेट ऑन 3060 अगर आप अभी सोच रहे हो कि एक कार्ड से माइनिंग स्टार्ट करना है। अब आपका बजट अगर कम है, आपका बजट यहाँ से अगर 70,000 के करीब है, तो आप सेम कंपोनेंट चूज़ कीजिए। यहाँ पे आप RX 6600 XT ले लीजिए, जो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा शायद 54,000 में, एंड दैट वुड बी योर, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना होगा आपका टोटल। तो आपकी जो ये रिग है 75,000 में बन जाएगी विथ 6600 XT। ये एफिशिएंट कार्ड है, मैं इस कार्ड को भी रेकमेंड करता हूँ। अगर आप लार्ज स्केल में सोच रहे हो माइनिंग करने का बाद में, तो आपको ये कार्ड लेना चाहिए। बाकी आप डेफिनेटली 3060 Ti के साथ जा सकते हो। सो यही था गाइज आज का ये वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर पार्ट्स ऑर्डर करते हो तो मेक श्योर टू यूज़ माई लिंक, उससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, और मैं ट्राई करूँगा कि उस पैसों से मैं कुछ खरीद के आपके लिए टेस्टिंग रिव्यूज़ ला सकूँ। सो डू मी अ फेवर गाइज, अगर परचेस करते हो तो इस लिंक से करना। एंड अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। मिलता हूँ गाइज अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।